मेरे पति को साबुदाना खिचड़ी बहुत ज्यादा पसंद है और आज उनका फास्ट भी मैं बना रही हूँ। और आप लोगों ने कई बार बोला कि आप शेयर करो रेसिपी, तो मैं आज साबुदाना रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो सबसे पहले ना मैंने इसको रात में ही भिगो के रख दिया था, क्योंकि भिगो दो रात में तो अच्छे से भीग जाता है। उसके बाद मैंने कढ़ाई में ना तेल वगैरह तेल डाल रही हूँ और मैं फल्ली दाने तल रही हूँ। पहले मेरे हस्बैंड को कड़ी पत्ता बहुत ज्यादा ही पसंद है, इसलिए मैं डाल रही हूँ। अगर आप लोग खाते हो तो डालना, नहीं तो मत डालना, वैसे ही बना सकते हो। और ये आलूओं को मैंने थोड़ा सा उबाल के ऐसा काट के अब मैं इसको भी थोड़ी देर इसमें फ्राई कर लूंगी। मेरे हस्बैंड को ऐसे उबाल के आलू बहुत अच्छी लगती है, तो मैंने इसलिए डाली है। आप कच्ची भी डाल सकते हो, वो भी बहुत अच्छी लगती है। फल्ली दानों के पहले मैंने इसके अंदर थोड़ा सा नमक डाल दिया, सेंधा नमक जो उपास में चलता है, वो डालने से ना पक जाती है जो भी चीज रहती है ना, तो इसलिए पहले नमक डाल देना चाहिए। अब फल्ली दाने भी डाल दिए। सो फाइनली अब मैं इसके अंदर ये साबुदाना डाल दूंगी, अच्छे से मिला लूंगी और ट्रांसपेरेंट होने तक इसको अच्छे से होने देंगे हम कम आंच पे। और इसको थोड़ी देर कम आंच पे पकाने के बाद ये सर्व करने के लिए रेडी हो जाएगा। इसके अंदर मैं धनिया वगैरह कुछ नहीं डालती हूँ, मैं वैसे ही सर्व करती हूँ, आप चाहो तो डाल सकते हो। तैयार है डिलीशियस साबुदाना खिचड़ी विद दही। मेरे हस्बैंड को पता है जो नीचे कढ़ाई में लग जाता है ना थोड़ा साबुदाना, वो खाने में बहुत मजा आता है, और साथ में दही मिल जाए तो उसका तो मजा ही अलग है। तो ये तो मैं मेरे हस्बैंड को दे रही हूँ।